Hello and welcome in class 3rd, chapter 4, multiplication. Here the first part of multiplication, properties of multiplication, I explained today. Here first property is when number is multiplied by 1, the product is the number itself. Agar 1, agar multiply ho raha hai kisi bhi number mein, to hume wahi number fir se mil jata hai. Then, if we multiplied by 1, अगर हम multiply कर रहे हैं 1 से किसी number में, then we get the number self. Here the example as 3 into 1 is equal to 3 and 5 into 1 is equal to 5 means हमने multiply किया 1 से और हमें फिर से वही number मिल गया. Move to the next property, the product of any number with 0 is always 0. अगर हम multiply कर रहे हैं 0 से किसी number में, तो हमें हमेशा 0 ही मिलता है. चाहे वो कितना भी लार्ज ग्रुप हो और नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का, उसमें अगर जीरो इंक्लूड है, मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर ऑफ ग्रुप में, ग्रुप ऑफ नंबर में, तो हम हमेशा उसका आंसर जीरो ही पाएंगे. ठीक है, मूव टू द थर्ड प्रॉपर्टी. द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वी कैन मल्टीप्लाई नंबर्स इन एनी ऑर्डर, द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम. हम लोग नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. ऑर्डर्स की उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ऑर्डर्स हमने चेंज कर दिया है, 10 को सेकंड प्लेस पे कर दिया, सेकंड को 10 प्लेस फर्स्ट प्लेस पे कर दिया. तो इस तरह से हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ऑर्डर चेंज कर दिया है तो वैल्यू चेंज हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑर्डर चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होती है, बस हाँ आपके नंबर सभी इंक्लूड होने चाहिए उस ग्रुप ऑफ नंबर्स में, बिकॉज देयर इज द रियल वैल्यू. 10 इंटू 2 अगर हमने जैसे यहाँ पे किया है तो 10 इंटू 2, 10 भी इन्वॉल्व है, 2 भी इन्वॉल्व है, तो हमारा 20 मिल रहा है. देन आफ्टर अगर 2 इंटू 10 कर रहे हैं, देन अगेन वी गेट 20, बिकॉज ऑर्डर चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होता है. ओके, नाउ मूव. नाउ हियर मल्टीप्लाइंग 3-digit नंबर बाय 1-digit नंबर, यानी 3-digit नंबर के साथ हम लोग 1-digit नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे. एक्सरसाइज 4A आपका इसी से रिलेटेड है. ठीक है, 110s and 1s करके हमने प्लेस किया है 43-digit नंबर को, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1-digit नंबर से. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग किधर से चलेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर चलेंगे. ठीक है, तो फर्स्टली मल्टीप्लाई 1s प्लेस विद 1-digit नंबर 2, 2 जा 4 हो गया. ठीक है, देन मूव टू द 10s प्लेस, 5 जा 10 हो गया. 5 to 10 होगा, तो फिर अगेन जैसे कि हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन में करते आए हैं, हमेशा की तरह 1s प्लेस को लिखेंगे और 10s प्लेस को नेक्स्ट प्लेस पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे. तो 5 to 10 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड हियर ऑन 100 प्लेस, देन 2 to 4 एंड 1 जो कैरी ओवर है उसको ऐड करेंगे. यहाँ पे 2 और 2 का तो मल्टीप्लीकेशन होगा, बट कैरी ओवर जो भी होता है, कैरी ओवर हमेशा हम लोग उसको ऐड ही करेंगे यहाँ पर भी. 2 to 4 + 1 That is 5. So answer is 504 of first solution. Here second, देखिए 5 into 0. फिर ones place पे जब हम करेंगे तो 5 into 0 हमारा 0, 0 से multiply करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हमारी second property थी ना, हमें 0 ही मिलेगा, because 0 is the hero of mathematics. तो यहाँ पे 5 into 0 is equal to 0 हो गया. ठीक है, now move to the next, carry forward तो कुछ हुआ नहीं. 5 जब 5 हो गया, 5 3 50. 5 3 15, अभी यहाँ पे कोई प्लेस, कोई नंबर है नहीं आगे, तो हम लोग पूरा वो टेंस और वंस प्लेस दोनों को लिख सकते हैं. एंड आंसर इज 1550. ओके, मूव टू द एक्सरसाइज इन योर बुक आल्सो. यहाँ देखिए, तो ये हमारा हो गया 2 2 जा 4, 5 2 2 जा यहाँ पे हो गया, और ये हमारा है 1 5 0. ओके, नाउ मूव हियर, 200 × 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 00 है ना, तो 00 यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, 500 500, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 करके भी ये 0 लिख सकते थे यहाँ डायरेक्ट. यहाँ देखिए 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ठीक है कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं था, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 1 carry forward, 2 1 जा 2 plus 1 3, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18 carry forward, 1 9 2 जा 18 plus 1 19,
ठीक है, टू टू जा फोर एंड या फाइव, ओके। नाउ वन जीरो का जीरो, देन वन वन जा वन, ठीक है, फिर सिक्स वन जा सिक्स, ठीक है। यहाँ देखिए जीरो टू जा, यहाँ पे जीरो हो गया, टू वन जा टू हो गया, टू सेवन जा फोर्टीन पूरा लिख देंगे, यहाँ पे हमारा रह गया फाइव टू जा टेन, फोर टू जा एट प्लस वन नाइन, टू टू जा फोर, ऐसे ही आप इसको करिए, आप करना है खुद से, यहाँ पर होमवर्क है आपका। और यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन ये है ना, तो इसको आप इसी फॉर्मेट में पहले बना लेंगे ऐसे, जैसे 122 इंटू 3, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे इन सभी क्वेश्चंस के आंसर, ओके। नाउ हियर देखिए एक्सरसाइज 4B, फाइंड द प्रोडक्ट 3 इंटू 5 इंटू 4, यहाँ पर आपका 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 3 नंबर मल्टीप्लिकेशन में फर्स्टली हम 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस मल्टीप्लिकेशन के साथ थर्ड को करेंगे, 5 3 जा 15 एंड 15 इंटू 4, फिर करेंगे 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, ओके। ऐसे ही इसको भी करेंगे, यहाँ पे देखिए 6 8 जा 48, 48 इंटू 5, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 प्लस 4 24, ओके। नाउ ये देखिए फिर इन द ब्लैंक्स में देखिए 15 इंटू 0 है ना, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमें 0 ही मिलेगा, 0 हो गया। यहाँ देखिए दोनों साइड ऑर्डर चेंज करने से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, यहाँ पे 6 दे दिया है और ये इक्वल दिखा रहा है कि दोनों साइड इक्वल है, यानी यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पे 6 इंटू 10 है तो ये तो 60 होगा, तो यहाँ पे क्या ऐसा नंबर होगा जिसे मल्टीप्लाई करने पे 60 आएगा 6 में, तो 10 ही वो बचा ना, देखिए ऑर्डर चेंज हो गया बट वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो ये इक्वल हुआ। 11 इंटू 1 हमें वही नंबर मिल जाएगा, यहाँ भी वही है देखिए 7 5 6 गिवन है, 5 6 के बाद यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं है, यहाँ पे हमारा 7, ठीक है 7 यहाँ से मिस है तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, और दिस मल्टीप्लीकेशन इज सिमिलर एज दैट साइड मल्टीप्लीकेशन, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट।